हमारे साथ फिल्म और ड्रामा क्रिटिक हारून श्वेब साहब मौजूद हैं। हारून साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, कैसे हैं आप? अस्सलामुअलैकुम अज़ीम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर गुड। हारून साहब, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामे अब दुनिया भर में अपनी मुनफरिद पहचान बना चुके हैं, तो अगर आपसे हम ये पूछें कि आपको पाकिस्तान का कौन सा ड्रामा सबसे ज़्यादा पसंद है और क्या वजह है कि क्यों पसंद है, तो ये प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। अच्छा, उससे पहले मैं अजीम नुमान भाई को आप सबने विश किया तो मैं भी उनको बहुत सालगिरह के हवाले से मुबारक देना चाहूँगा। और तस्वीर मैंने भी पहचान ली है, लेकिन मैं भी नाम अभी बताऊंगा नहीं, मैं जाके अपने सोशल मीडिया के ऊपर पहले इसको शेयर करूंगा। और बिल्कुल पता चल रहा है ना कि वो किसकी तस्वीर है, मतलब बचपन से मुझे तो पता चल गया है। आप सही जवाब दे रहे हो, मुझे पता है और आपको पता है। हाँ, आप ऐसा करें, सही जवाब दिए, हमारे पेज पर जाके फिर इनाम के हकदार आप भी होंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप ड्रामा जो मुझसे ऑल टाइम फेवरेट पूछ रहे हैं जी, तो और फिर आपने बात की कि जो के पड़ोसी मुल्क में अभी जिस ड्रामे ने हमारे बहुत झंडे गाड़े हैं और बड़ा मशहूर हुआ है, तो वो ड्रामा है जनाब जो मुझे बहुत पसंद है, वो है जिंदगी गुलजार है। यस, वाह 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 वाह, उमैरा अहमद का। बिल्कुल, उमैरा अहमद का बहुत बड़ा स्क्रिप्ट और मोमिना की प्रोडक्शन, तो बहुत खूबसूरत ड्रामा। और फिर ऑफकोर्स फवाद खान उस ड्रामे में, तो वो जाहिर है उसका एक मैजिक खास तौर पे अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया में बहुत ज्यादा महसूस किया गया। और सनम सईद की वो जो खुद से बातें करना और वो कश के किरदार में, मेरा ख्याल में बिल्कुल कश के किरदार में मेरा ख्याल में सनम से ज्यादा खूबसूरत तरीके से उसको कोई नहीं निभा सकता था। वो किरदार बिल्कुल ऐसा है कि लगता है कि ये सनम ही की पर्सनालिटी को जहन में रखते हुए लिखा गया। अरुण, हमारी एक और पाकिस्तानी ड्रामास की मुनफरिद चीज़ है, मुनफरिद पहचान है, और वो इन ड्रामा सीरीज के जो टाइटल ट्रैक्स हैं वो भी बड़े शानदार बनते हैं। बिल्कुल, इसका क्या खूबसूरत गाना है, अली जफर और हदीका ने गाया, और मैं तो कई दफा ये गाना ही लगाकर सुन रहा होता हूँ क्योंकि ये एक बहुत खूबसूरत गाना है, ये मूड अपलिफ्टर है, एकदम से आपका मूड अच्छा हो जाता है। ये तो आपके मूड को अच्छा करता है, और अगर आप बहुत दुखी है तो आप हम सफर का गाना लगा लें, आपको ऐसा लगता है कि रिलेट कर रहे हैं आपके साथ। बिल्कुल, वो हम सफर था लेकिन शनासाई न थी, तो वो उदास कर देता है, ये जो है ये आपको खुश कर देता है। अच्छा अरुण, क्योंकि आज नुमान एजाज की बर्थडे है, तो उनका कोई ऐसा ड्रामा जो आपको बहुत पसंद हो? मुझे नुमान एजाज का एक्चुअली अभी जो दो ड्रामे जहन में फौरन आते हैं, जिसमें मुझे नुमान भाई जो है ना वो बिल्कुल जैसे अंगूठी में नगीना होता है ना, एक तो है संगे माँ और एक उससे पहले आ चुका है संगे मरमर। ये दो ड्रामे हैं जिसमें उन्होंने पठान पैट्रियार्क का किरदार अदा किया है कि वो अपने खानदान का बुजुर्ग है, और वो जो बॉडी है, लैंग्वेज है, जो मैनरिज्म है, जो जबान है, क्या खूबसूरत किरदार निगारी की है नुमान भाई ने, तो बहुत खूबसूरत ड्रामे हैं ये दोनों। अरुण साहब, नुमान एजाज साहब के ऊपर ये किरदार सूट ही बहुत करता है, इनको रोल ये इस तरह के ज्यादातर ऑफर होते हैं, रोबदार शख्सियत, जरा गैंगस्टर टाइप। मलिक साहब भी बने थे ना एक ड्रामे में, उसमें बहुत जबरदस्त। मलिक साहब भी, मेरा साई में भी, वो साई भी बन चुके हैं। और एक और ड्रामा जिसमें उनकी अदाकारी बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही खूबसूरत, वो है डर सी जाती है सला। हाँ जी, अगर आपने वो देखा हो, जोजी मामू का किरदार था उसमें, पिछले दिनों जो परिजाद में नेगेटिव रोल था, परिजाद में भी बहुत शानदार एक्टिंग थी, परिजाद ऑफ कोर्स, बिल्कुल। अच्छा, अगर हम बात करें टॉप थ्री ड्रामास जो आजकल चल रहे हैं, तो आप किस तरह से रैंक करेंगे? अच्छा, अब मुश्किल काम है, काफी सारे चैनल्स हो गए और बहुत से ड्रामे आते हैं, लेकिन मेरे लिए और मैंने जब नंबर्स भी देखे हैं तो आजकल जो व्यूज आ रहे हैं ऑनलाइन, तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि खई इस वक्त जो है वो टॉप पे जा रहा है। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत ड्रामा है, अगेन वो पश्तून बैकड्रॉप के अंदर, और वो एक रिवायत से जुड़ी हुई कहानी, बहुत पसंद की जा रही है। खई, अरुण साहब तीन ड्रामों के नाम लेंगे टॉप थ्री, और दूसरे नंबर पे अगर आप कहते हैं तो ऑफकोर्स हम सब का फेवरेट इश्क मुर्शिद, उसकी कहानी, उसकी इनोसेंस, वो नाजरीन को बहुत पसंद आ रही है, और ऑनलाइन व्यूज भी उसके अगर देखें तो बहुत हैं, अक्रॉस द बॉर्डर भी इश्क मुर्शिद ने जो है ना वो झंडे गाड़े हुए हैं, और ऑन स्क्रीन जोड़ी बड़ी पसंद की जाती है बिलाल जी, की जी, और बिल्कुल जोड़ी भी बहुत पसंद की जा रही है। और फिर अब जो नया ड्रामा आहिस्ता आहिस्ता अपनी गिरफ्त में ले रहा है और मैं तो उसको बाकायदगी से देख रहा हूँ, वो है जाने जहां, हमजा अब्बासी और आयजा खान का मैजिक जो है ना वो जाने जहाँ को मुझे उम्मीद है कि एक यादगार ड्रामा बनाएगा और लोगों को बहुत अरसे तक याद रहेगा। जैसे प्यारे अफजल, अगर आपको याद हो तो ये जोड़ी हम पहले उसमें देख चुके हैं, तो अब ये जो है ये इस ड्रामे में भी नजर आ रही है, फारूक ड्रामा क्रिटिक हैं, तो हम चाहेंगे कि आपने तीन तो बहुत अच्छा टॉप ड्रामास तो बताए हैं, इन तीनों ड्रामास के टॉप पे रहने की वजह क्या है ये भी बताएं जरा, पहले से स्टार्ट करें।
खई तो सस्पेंस से भरपूर है। सही। हम जानते हैं जमदा जो मेन कैरेक्टर है दुर्रे फिशां प्ले कर रही हैं, उसके साथ जो है वो चनार जो कि फैसल कुरैशी हैं, उनके खानदान ने काफी जुल्म किया है। अब जमदा और चनार की शादी हो गई है, तो अब वो जो सस्पेंस है ना कि जमदा किस तरह अपने खानदान का बदला लेगी चनार से और उसकी फैमिली से, वो जो है वो नाजरीन को बिल्कुल जोड़े हुए है इस ड्रामे के साथ। तो सस्पेंस और एक इमोशन, ये खई ड्रामे की अपील है। जब हम बात करते हैं इश्क मुर्शिद की, तो जिस तरह मैंने कहा इनोसेंस है, लव स्टोरी है, रोमांस है, और रोमांस किसको पसंद नहीं होता, तो वो भी ड्रामा जो है वो मुझे लगता है कि इस वजह से बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहा है। और फिर तीसरा ड्रामा जिसकी मैंने बात की जाने जहां, तो वो अपनी स्टार पावर की वजह से, क्योंकि हमजा अली अब्बासी बहुत अरसे बाद छोटी स्क्रीन पर आए हैं और साथ आयजा हैं जो कि एक बहुत पॉपुलर एक्ट्रेस हैं, खूबसूरत भी हैं और एक्टिंग भी अच्छी करती हैं, तो वो जो ड्रामा है वो अपने स्टार्स की वजह से इस वक्त देखा जा रहा है। अब जैसे जैसे कहानी खुलेगी तो पता चलेगा कि और क्या क्या। और ये जोड़ी नजर भी बड़े अरसे बाद आई है हमें। जी जी ऐसा ही प्यारे अफजल, प्यारे अफजल के बाद ये जोड़ी नजर आई है। तो अगर हम जोड़ियों की बात करें, टॉप थ्री जोड़ी ऑन स्क्रीन, तो वो कौन सी है? अच्छा, मुझे तो लगता है कि बिलाल अब्बास और जो दुर्रे फिशां की जोड़ी है वो इस वक्त टॉप पे है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पीपल कांट गेट इनफ ऑफ देम। खासतौर पे बिलाल अब्बास को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगा, बहुत खूबसूरत तरीके से किरदार कर रहे हैं, बड़ा बिलीवेबल है। हालांकि वो ज़रा उसके अंदर जो उनका क्राफ्ट है वो इस तरह है कि जी वो दो कैरेक्टर्स में स्विच करता रहता है एक्टर, लेकिन यह है कि फिर भी बिलाल ने वो इतनी खूबसूरती से और इनोसेंस से निभाया है कि वो एक ज़रा थोड़ा सा ज़रा आउट ऑफ रियलिटी किरदार होने के बावजूद उसको उसके ऊपर यकीन करने को दिल करता है जब बिलाल जो है ना वो बनकर आते हैं अपने फजल के किरदार में, और फिर जब वो शहरयार के किरदार में होते हैं तो वो यकीन करने को दिल करता है कि ये दो अलग अलग लोग हैं। ठीक है जी। और तीसरी जोड़ी? ये पहली थी बिल्कुल। और जमदा और चनार जो है जनाब छाए हुए हैं, वो मोहब्बत और नफरत के बीच की कहानी खई में जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके अंदर ये दोनों भी, फैसल तो आप जानते ही हैं कि कितने बड़े एक्टर हैं और वो जिस किरदार में जाते हैं उसमें छा जाते हैं। दुर्रे फिशां आजकल बहुत पॉपुलर हैं, उन्होंने बहुत खूबसूरत किरदार अदा किए हैं और वक्त के साथ साथ उनकी अदाकारी में बड़ी मैच्योरिटी आती जा रही है, तो ये दोनों भी बहुत अच्छे लग रहे हैं स्क्रीन के ऊपर खई ड्रामे में। तो ये जोड़ी भी इस वक्त जो है वो नाज़रीन काफी पसंद कर रहे हैं। और लास्ट वन, और तीसरी जी, जाने जहां हमजा थोड़ा सा वजन जरा ज्यादा कम कर लिया उन्होंने, उसे मेरी रिक्वेस्ट है, मैं भी ये कहने वाली थी कि थोड़ा सा जरा बीमार बीमार लुक आ रही है, बीमार बीमार लग रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनको सेहतमंद रखे और वो इसी तरह थोड़े से जरा अपने वजन की तरफ देखें। तो चेहरे पे रौनक रहनी चाहिए, वजन जरूर कम करें लेकिन चेहरे की रौनक जो है वो नहीं जानी चाहिए। तो हमजा और आयजा भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। आयजा मुझे लगता है कि उनको जो है वो मुख्तलिफ किरदारों में अब देखना चाहिए और उनको अपनी एज अप्रोप्रिएट किरदार अदा करने चाहिए। अच्छा, तो आयजा के लिए मेरा तो यही मशवरा होगा कि अपनी एज के हिसाब से, जब हुमायूं सईद के साथ आई थी तो बहुत अच्छी लग रही थी उस किरदार में जहाँ वो एक माँ भी थी एक बीवी भी थी, तो थोड़ा सा ज़रा अगर आयजा इसके ऊपर गौर कर लें तो ये भी एक बहुत खूबसूरत जोड़ी है और आजकल काफी पॉपुलर हो रही है। बिल्कुल। अच्छा हारून, नेगेटिव रोल में आप किसको देख रहे हैं बहुत स्ट्रांग और जबरदस्त? अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग आपका सवाल है। नेगेटिव रोल में देखिए, जिस तरह मैं कह रहा था कि फैसल जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही अच्छा दे रहे हैं अपने किरदार में। जाहिर है कि वो एक बहुत जालिम जाबिर इंसान का किरदार अदा कर रहे हैं खई ड्रामे में जी, और फैसल कुरैशी का वो जो एक एंगल होता है ना हमेशा, उनके भी हमने काफ़ी ड्रामे देखे हैं इस तरह के, बशर मोमिन में भी कुछ इसी तरह का किरदार था, तो उसमें जब वो आते हैं तो रोबदार शख्सियत और थोड़ा सा जालिम इंसान जो कि जिससे जो अच्छा भी लगता है और वो मेन सेंट्रल कैरेक्टर होता है, लेकिन साथ साथ थोड़े से उसमें नेगेटिव शेड्स भी नज़र आते रहते हैं। तो खई में तो ऑफकोर्स ये बहुत खूबसूरती से वो ये किरदार निभा रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि नेगेटिव जब किरदार करते हैं तो उसके अंदर वो जरूर कमाल दिखाते हैं, तो वो किरदार आप देखिए। वैसे नेगेटिव तो जो किरदार नुमान एजाज निभाते हैं वो भी क्या खूब निभाते हैं जी। अच्छा, ये जो भी आजकल पुराने एक्टर है, नए तो नहीं है, लेकिन इसमें जाने जहां में इनके भाई बने हुए हैं,
जी जी बिल्कुल, मुझे इनका नाम नहीं, जाने जहां में जो वो भाई हैं वो कराची के ड्रामों से अक्सर आते रहते हैं, वो बहुत जबरदस्त एक्टिंग करते हैं लेकिन बहुत अच्छा करते हैं। तो हारून, अब कोई ऐसे अदाकार तीन या अदाकाराएं ऐसी तीन जो आपको लग रहा है कि अब उन्हें रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, बहुत हो गया? अच्छा नहीं, रिटायरमेंट तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि एक्टर की रिटायरिंग एज तो कुछ नहीं होती। एक्टर तो हर उम्र के एक्टर जो है उनके लिए अगर कैरेक्टर लिखे जाएं और दिए जाएं तो वो कर सकते हैं। आप देखिए सर हॉपकिंस से, मेरिल स्ट्रीप से, अगर हम अक्रॉस द बॉर्डर देखें अमिताभ बच्चन से, तो वो अभी तक अपनी अमेजिंग एक्टर्स यार, सही कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो रिटायरमेंट तो नहीं होती एक्टर की कभी भी, लेकिन एज अप्रोप्रिएट किरदार अदा करने चाहिए। और मेरे ख्याल में हमारे पास मिसालें हैं पाकिस्तान में भी जो कि एक्टर्स अभी कोशिश कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा ज़रा अपनी पोजीशन को संभाल के रखें, और वो उनकी जंग चल रही है एक सालों के साथ, तो साल गुजरते हैं तो जाहिर इंसान के चेहरे पर कैरेक्टर आ जाता है। देख रहे हैं काफी ड्रामा में वालिद का किरदार अदा कर रहे हैं, वो आपको कैसे? नूर ने बहुत अच्छा ट्रांजिशन किया है फ्रॉम यंग टू ओल्ड, बहुत खूबसूरती से उन्होंने अपने आप को समझते हुए, बड़ा जबरदस्त समझते हुए जी। इसमें अगर हम जाने जहां में बात करें तो उनके वालिद थोड़े नेगेटिव भी नजर आते हैं कुछ चीजों में, और मतलब वो किरदार बड़ा डिफरेंट सा है, जबकि जो दूसरा वाला ड्रामा है मुर्शिद, इश्क मुर्शिद, उसमें तो टोटली पॉजिटिव दिखाए गए हैं, रूल्स के पाबंद दिखाए गए हैं। तो दोनों किरदारों में वालिद भी में भी अच्छा, हाँ हाँ, तो नूर बहुत काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, कहीं नेगेटिव कहीं पॉजिटिव, और वो हमेशा से अपने कैरेक्टर एक्टर के तौर पे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देते हैं। तो ये तीनों ड्रामे जो हैं उसमें नूर ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, मज़ा आया उनको देखकर। मैं अब ये कहूँगा कि अब हमारे कुछ जो मेन स्ट्रीम एक्टर्स हैं जैसे कि हिमायूं हैं या माहिरा हैं, इनको भी ये समझना चाहिए कि अब इनको अपनी एज के हिसाब से किरदार करने होंगे, और अगर वो जिस तरह फैसल ने बड़ा खूब नहीं, लेकिन वो कैसे समझे, शाहरुख खान अभी तक एक्टर ही आ रहे हैं, हीरो ही आ रहे हैं, एक्टर हीरो। देखिए फिल्म का एक डिफरेंट मीडियम है, और टेलीविजन की जब बात करें, अभी जैसे आपने मायरा का भी अभी एक रिसेंटली ड्रामा चला तो उसमें आपने देखा होगा, फिल्म का डिफरेंट मीडियम है और टेलीविजन का एक डिफरेंट स्क्रीन होती है, तो टेलीविजन रियलिटी बेस्ड ज्यादा रहा है, तो बेहतर है कि वहाँ पर जो है वो अपनी एज के हिसाब से किरदार अदा करें अदाकार। अच्छा, तो एक और ड्रामे में हम नीलम मुनीर को देख रहे हैं, वो भी मतलब काफी अरसे से ड्रामा इंडस्ट्री में हैं और बड़ी छोटी सी एज की वो दिखाई गई हैं, उनकी एक्टिंग आपको कैसी लगी? दो एक्टर्स हैं जिन मैं बिल्कुल ये मशवरा देना चाहूंगा कि भाई जान आप जो है वो कम काम करें, थोड़ा सा ओवर एक्सपोजर भी है नीलम मुनीर का भी, और दूसरे हैं एहसन खान जी। ये जो है ना ये किसी ना किसी चैनल पे हर वक्त ही नजर आ रहे हो, नजर आ जाते हैं, तो इन दोनों से मेरी गुजारिश है कि थोड़ा कम काम करें, ब्रेक दे दें और थोड़ा सा जाकर जरा सोचें अपने बारे में कि आप किस तरफ को अपने करियर को लेकर जाना चाहते हैं, खासतौर पे नीलम। मैं नीलम के किरदारों से इसलिए नहीं जुड़ पाता क्योंकि देखिए अब वो एक घर में काम कर रही है, किचन में बाल खुले हैं, फुल मेकअप है, और एक बड़ी आर्टिफिशियल सी लुक नीलम ने बना ली है अपनी, तो उनको चाहिए कि अगर वो अब थोड़ा फिर दोबारा नेचुरल एक्टिंग की तरफ जाएं तो बेहतर होगा, वरना फिर जो है आजकल के खास तौर पे रियलिटी बेस्ड ड्रामे जहां हम देख रहे हैं, जहां हमें दुर्रे फिशान जैसी स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेस नजर आती है जो जब रोती है या पिटती है या घर का काम कर रही है तो वो बिल्कुल रिलेटेबल लगती है, तो वहां पर शायद ये जो आर्टिफिशियल लुक है ये अब चलेगी नहीं, ये स्टार प्लस के जमाने थे। बहुत शुक्रिया हारून शुएब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और ओवरऑल पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के बारे में जो आपकी एक गहरी सोच है, जो आपका नज़रिया है वो पेश किया, और आई एम श्योर कि हमारे व्यूवर्स भी इसी चीज़ से मुत्तफिक हैं, यही वो टॉप ड्रामाज हैं जो आजकल देखे भी जा रहे हैं, और यही टॉप जोड़ीज हैं जिसको पसंद किया जा रहा है। तो वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, कोशिश की थी कि जितना हो सके कवर करें, तो हारून बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। नेक्स्ट सेगमेंट में हम इंशाल्लाह जब भी मुलाकात होती है ये बात करेंगे कि ये आखिर किस किस एक्टर को एडमिट लेनी चाहिए।